नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देश भर में रिलीज हो गई है। जहां एक तरफ अमिताभ और आमिर की इस फिल्म की कामयाबी पर बॉलीवुड की नजरें टिकी हैं, वहीं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के शहर में उनकी फिल्म पर एक सियासी पोस्टर जारी हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी की दूसरी सालगिरह पर अनोखे अंदाज में सरकार का विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस विरोध की कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दलों में खूब चर्चा है। दूसरी ओर भाजपाइयों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट देश भर में प्रतिबंधित कर दिए थे। इसकी दूसरी वर्षगांठ पर संगम नगरी प्रयागराज के स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा फिल्म पर आधारित एक पोस्टर सोशल साइट पर वायरल कर दिया। इस पोस्टर में पीएम मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर लगाई गई है। हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत के समय पर आधारित है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1975 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, उसके बाद वो धीरे धीरे हुकूमत ने व्यापार भारत पर कब्जा कर लिया। उसी पर आधारित फिल्म पर कांग्रेस नेता द्वारा जारी किया गया पोस्टर चर्चा का विषय बना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। बता दें कि राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं ने आज देश भर में नोटबंदी का विरोध किया है। इस कड़ी में प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस पोस्टर को लगाने का कांग्रेस का मकसद यही है कि जिस नोटबंदी को मोदी सरकार इसे अपना सबसे साहसिक निर्णय बता रही है, वही तो उसे कांग्रेस महाघोटाला करार दे रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लगाकर वायरल कर रहे हैं। फिलहाल लाइव प्रतापगढ़ में इतना ही। बाकी इसी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।